हाय फ्रेंड्स, मैं पूनम स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूट्यूबर दोस्त पूनम में। दोस्तों, अभी सौभाग्यवती साड़ियों का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड किया था सदा सौभाग्यवती साड़ी का, एंड ये वाली साड़ी जो है ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करी है। जो पहले वाले का रिव्यू आया था वो मैंने मीशो से ऑर्डर करी थी, एंड दोनों साड़ियों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैंने दोनों साड़ियों को ऑर्डर किया था, एंड पहली वाली जो मीशो वाली साड़ी है उसका रिव्यू मैं डाल चुकी हूँ। आज जो मैं अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ वो है फ्लिपकार्ट की साड़ी, एंड ये फ्लिपकार्ट की साड़ी कैसी है और आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, कितना इसका रेट है, कपड़ा कैसा है, कैसी डिज़ाइन है, चलिए बगैर देर किए हुए पहले तो जो साड़ी है वो देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो साड़ी है वही देख लेते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके की साड़ी जो है वो फ्लिपकार्ट पे मुझे मिली हुई है। मतलब मैंने ये साड़ी जो है वो फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करी थी, एंड ये साड़ी जो है वो मुझे रिसीव हो गई है। फ्लिपकार्ट के द्वारा आई हुई ये साड़ी है। तो चलिए सबसे पहले इस साड़ी को खोल लेते हैं, और खोलने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि ये साड़ी जो है वो आपको परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए ये साड़ी है, एंड कलर जो है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब फ़ोटो में और वीडियो में। जैसे कि मैंने उस वाले वीडियो पे आपको बताया था कि कलर जो है सामने से थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन जब आप इसको वीडियो में या फ़ोटो शूट के लिए देते हैं तो इसका जो कलर है बहुत ज़्यादा इनहेंस होकर आता है। वैसे ही इस साड़ी में भी जो कलर है वो वीडियो में काफ़ी सुंदर आ रहा है, लेकिन सामने से उतना अच्छा कलर जो है वो नहीं है। एंड बात करूँ अगर इसके बॉर्डर की, तो इसकी जो बॉर्डर है वही मेन है, एंड बॉर्डर की वजह से ही मैंने साड़ी को ऑर्डर किया था। तो देख रहे हैं आप, इसमें लिखा है सदा सौभाग्यवती भवा। तो ये इस तरीके की साड़ी जो है वो आपको मिल जाती है, और अगर मैं इस साड़ी को ओपन करूँ तो इस तरीके से ये जो साड़ी है ये ओपन हो जाती है। ये देखिए, अगर मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ तो हो सकता है कि आपको समझ में आ रहा हो, इसका जो कपड़ा है वो बहुत ज़्यादा साइन कर रहा है, एंड कपड़ा जो है वो किस तरीके का है कपड़ा मैं आपको चलिए दिखा देती हूँ। इस तरीके से जो साड़ी है वो मैंने ओपन कर दी है। ये जो है ये पल्लू वाला साइड है, तो पल्लू की अगर मैं बात करूँ तो पल्लू में इस तरीके की जो लेस है वो पूरी साड़ी में आपको, मतलब पल्लू में जो है वो लगा के दी गई है कुछ इस तरीके से। एंड नीचे जहाँ पर भी हम प्लेटें बनाते हैं वहाँ भी ये सदा सौभाग्यवती की जो लेस है वो पूरी दी गई है, लेकिन जब हम आगे से टकिन करते हैं देन साड़ी जो है वो वियर करना शुरू करते हैं, वहाँ पे पीछे की साइड पे बिल्कुल भी लेस जो है वो लगा के नहीं दी गई है। तो अगर आप इस साड़ी को वियर करते हैं इसके बाद चलते हैं तो पीछे से जो एरिया रहता है, मतलब जो फॉल वाला एरिया रहता है वो आपका एकदम से खाली रहेगा, उस पर कोई भी लेस जो है वो आपको अलग से नहीं मिलेगी। देन कपड़े की बात करूँ अगर, तो जो कपड़ा है वो मुझे कहीं ना कहीं लैकरा लग रहा है, बहुत अच्छा कपड़ा नहीं है, ओके ओके टाइप कपड़ा है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। देन जब मैंने साड़ी को आपके सामने ही इसको अनबॉक्स किया है, आपके सामने ही साड़ी को खोला है, तो जब मैं पहली बार, मतलब फर्स्ट टाइम इस साड़ी को खोल रही हूँ, तो इसमें इस तरीके का देख रहे हैं आप डॉट्स जैसे जो है वो पड़ गए हैं। मुझे लग रहा है इस साड़ी को 2 से 3 बार वियर करेंगे तो ये साड़ी जो है वो पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगी, बिल्कुल भी अच्छी, मतलब पहनने लायक जो साड़ी है वो नहीं रहेगी। देन अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो जो साड़ी है उसकी लेंथ पूरी है, कहीं से भी छोटी साड़ी जो है वो मुझे नहीं लग रही है। अगर मैं ब्लाउज़ की बात करूँ, जो ब्लाउज है वो आपको सिल्क का मिल जाता है, बहुत अच्छा सिल्क का कपड़ा जो है वो नहीं मिलता है, लेकिन हाँ ओके ओके टाइप का जो कपड़ा है वो आपको मिल जाता है इस तरीके से। एंड सेम लेस जो है वो आप स्लीव्स में लगवाना चाहें या आप अपने नेक में लगवाना चाहें, इस तरीके से जो लेस है वो आपको मिल जाती है। बाकी साड़ी जो है वो एकदम से प्लेन है। बस मैंने ये साड़ी जो है वो, जैसे मैंने मीशो से साड़ी मंगवाई थी सदा सौभाग्यवती भवा, सेम साड़ी, क्योंकि जो मैंने मीशो से मंगवाई थी साड़ी, देन जो मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करी थी ये वाली साड़ी, दोनों मुझे सेम लग रही थी, लेकिन वो जो साड़ी मैंने मीशो से मंगवाई थी वो मुझे 1000 में पड़ी थी, एंड ये वाली साड़ी जो है वो 400 में मिल रही थी। तो मैंने इसी वजह से दोनों साड़ियों को मंगवाया कि जो 400 वाली एंड 1000 वाली जो साड़ी है वो दोनों सेम साड़ी हैं या अलग हैं, इस वजह से मैंने इन दोनों साड़ियों को ऑर्डर किया था। देन मैं इन दोनों साड़ियों को रिटर्न कर रही हूँ, क्योंकि ये जो साड़ी है वो मुझे दोनों की दोनों पसंद जो है वो नहीं आई है। अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो वो आपकी चॉइस है, क्योंकि कपड़ा बहुत अच्छा नहीं है, देन लेस जो है वो भी बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से लगा के नहीं मिलती है। एक दो बार पहनने के लिए चलिए ठीक है, 400 रुपये में अगर मैं एक दो बार पहन भी सकते हैं, लेकिन पीछे से जब आप इसको वियर करते हैं, जब आप चलते हैं, तो हील के साथ साथ आपकी जो लेस है वो, मतलब बहुत अटपटी लगती है, पीछे से जो आपका फॉल है वो दिखेगा, लेस जो है वो बिल्कुल भी नहीं दिखेगी, तो जो लुक है वो बहुत ज़्यादा गंदा आ रहा है। तो आप लोग देख लीजिएगा, अगर आप फिर भी मैनेज कर सकते हैं तो वो आपकी पसंद है, आपकी चॉइस है कि आप उसको मंगवा सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग में अगर मेरी बात करूँ तो मुझे ये साड़ी जो है वो बिल्कुल भी पसंद
पसंद नहीं आई है, बहुत ज़्यादा अतरंगी लग रही है, ना तो उसका कलर कोई अच्छा लग रहा है, ना ही जो लेस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। हाँ, हो सकता है वीडियो में आपको अच्छी लग रही हो, लेकिन सामने से जो लेस है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, ना ही इसका क्लॉथ मटेरियल अच्छा है, ना ही लेस जो है वो प्रॉपर तरीके से लगा के दी गई है, ब्लाउज़ जो है वो भी अच्छा नहीं है। तो ये जो साड़ी है वो मुझे उतनी अच्छी नहीं लग रही है। अगर मैं बात करूँ रेट के हिसाब से ये साड़ी है कि नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि रेट के हिसाब से भी ये साड़ी जो है वो नहीं है, क्योंकि 400 में ये साड़ी है, देन 400 में लोकल मार्केट में अगर हम साड़ियाँ लेने जाते हैं तो हमें ठीक ठाक साड़ी जो है वो मिल जाती है, मतलब डेली वेयर के हिसाब से हम 400 रुपये की साड़ी जो है वो ला सकते हैं। लेकिन इस साड़ी की अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है ये साड़ी अगर हम 2 से 3 बार भी पहनेंगे तो पहनने लायक नहीं रहेगी। तो ये साड़ी जो है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। और अगर आपने इस साड़ी को मंगवाया, आपका क्या ओपिनियन है, आपको कैसी लगी ये साड़ी, आप अपना ओपिनियन जो है वो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा कीजिए। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज का वीडियो बस इतना ही, बाय बाय फ्रेंड्स।